हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मैं लेके आई हूँ न्यू रेसिपी जो बहुत ही इजी है। अभी त्योहारों का दिन है तो आप इसको इजीली बना सकते हो। इसके लिए सभी इंग्रेडिएंट मैंने स्क्रीन में पहले दे दिए हैं। तो अभी मैं क्या, एक पैन लेना है। पैन के अंदर मैंने डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है जो हमने बिल्कुल ही धीमी आँच के ऊपर इसको हल्का सा पकाना है, रोस्ट करना है। तो ये मैं बना रही हूँ एक उस डेसिकेटेड जो कोकोनट मिल्क है उसके अंदर ऐड करने के लिए मैंने उसके अंदर में मिक्स किया है मिल्क। 1 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है तो वो मैंने एक मिक्सचर बना लिया है। तो इधर से मेरा जो कोकोनट था वो अच्छे से पक गया। तो हल्का सा मैंने उसको रोस्ट किया है तो आपने देखा है उसका कलर भी ब्राउन हो गया। तो इसके अंदर ऐड किया है मैंने 1 कप ऑफ मिल्क जो पाउडर मैंने मिक्स किया था। तो ये मैंने लिया है पनीर। आप इसके अंदर पनीर जो है मलाई पनीर ले सकते हो। मैंने जैसे कि मैंने भी मलाई पनीर लिया है तो बहुत ही अच्छा बनेगा। और फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने पाइन एप्पल क्रश लिया है जो ऑलरेडी मैंने घर पे ही रेडी किया था। उसकी वीडियो भी मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को मिलेगी, आप सर्च करके देख सकते हो। पाइन एप्पल क्रश आप इजिली घर पे भी बना सकते हो, मार्केट से भी ले सकते हो। तो ये मैंने 1 कप 1 जो स्पून है एक घी का ऐड किया था इसके अंदर। तो ये बहुत ही इजी से फटाफट से बनके रेडी हो गया। और आप चाहे तो इसके अंदर शुगर भी ऐड कर सकते हो बट मैंने नहीं ऐड किया बिकॉज मैंने ऑलरेडी इसके अंदर पाइन एप्पल क्रश जो था ऑलरेडी उसके अंदर शुगर था। तो इसको मैं थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया। तो आप देख सकते हो ये ठंडा हो चुका है। तो इसको आपने जैसे पहले रूम टेम्परेचर के ऊपर रखने के बाद में फिर हम इसको रखेंगे थोड़ा बाहर तो चेक करेंगे। तो ये आप इजीली देख सकते हो ठंडा हो चुका है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, मैंने ऑलरेडी प्रॉपरली हैंड वॉश करके ही ऐसे हैंड के साथ इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए यूज़ किया। तो इसको अच्छे से ऐसे हैंड के साथ आपने मिक्स करना है। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से वो मिक्स हो चुका। और जो मैंने पाइन एप्पल को ऑलरेडी पीसेस में कट करके रखा हुआ था आप स्टार्टिंग में इंग्रेडिएंट्स के अंदर देख सकते हो, तो वो मैंने इसके अंदर मिक्स करके अच्छे से इसको हैंड के साथ में मिक्स कर लिया। तो मैंने एक इसका डो टाइप बना लिया थोड़ा। तो इसको मैंने अभी रखा है थोड़ी देर के लिए, मैंने इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया था 5-10 मिनट। तो उसको मैंने 3-4 पार्ट में डिवाइड्स कर लिया है। तो अभी इस तरह से मैंने इसको 3-4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके ऐसे मैंने एक स्वीट्स बनाने के लिए रेडी कर लिया। तो अभी मैं नीचे जो क्रश किया हुआ कोकोनट है उसको थोड़ा रखूंगी, उसके साथ इसको पूरा जो है इसके अंदर कवर कर दूंगी। तो ये बहुत ही अच्छी एक स्वीट बन के रेडी हो चुकी होगी। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं बिकॉज जैसे अभी त्योहार चल रहे हैं, फेस्टिवल्स हैं, तो फेस्टिवल्स के अंदर आप ही अपने घर पे बना के सर्व कर सकते हो। बच्चे इसको बहुत ही पसंद करेंगे। बट आप इसको ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते, और जो आपका पाइन एप्पल है वो फ्रेश होना चाहिए। तो मैंने एक दिन मतलब पहले वाला जो पाइन एप्पल था वो यूज़ किया था, एकदम से फ्रेश वाला मैंने पाइन एप्पल नहीं यूज़ किया। तो अभी मैंने इसको ईजिली कट कर दिया। तो अभी जो मेल्ट की हुई जो मेरी चॉकलेट थी व्हाइट चॉकलेट, वो मैंने उसके साथ इसको गार्निश किया है, डेकोरेट किया है। तो आप देख सकते हो मैंने इसको ईजिली कट करके बहुत ही अच्छे वे से इसको डेकोरेट कर लिया। आप डेकोरेट करने के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैंने चॉप्ड किए हुए कुछ ये पिस्ता था उसके साथ डेकोरेट किया, और थोड़े से फ्लावर्स के रेड उसके डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो बहुत ही अच्छा बन के ये रेडी हुआ, बहुत ही ये डिफरेंट था तो मुझे तो बहुत ही यूनिक लगा। और मेरे जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने ईटिंग किया तो बहुत ही अच्छा लगा। और आप इसको ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, जैसे कि पाइन एप्पल इसके अंदर ऐड है तो आप इसको कुछ ही देर तक स्टोर करके रख सकते हो। तो ये बहुत ही यम्मी एक स्वीट बन के रेडी हो चुका है। तो आप इसको दिवाली के अंदर भी बना सकते हो, और जो दिवाली के अंदर आपके रिलेटिव्स हैं उनको भी दे सकते हो। तो मैं अभी इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ दूसरे एक प्लेट के अंदर। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जो कोई भी मेरी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि किन किन ने ये रेसिपी बना के घर पे ट्राई की और आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।